हाय फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है स्वरूप। आप देख रहे हैं वीकली गैजेट न्यूज़ और मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़। तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस हुए इस हफ्ते। मैं अगर बात करूँ आईफोन्स की, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीक, वो उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। तो टेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी आज की, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो इस हफ्ते के टेक न्यूज़ में आपको पता चल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीक्स वीकली गैजेट न्यूज़ दोस्तों। तो सबसे पहली जो खबर निकल के आती है वो निकल के आती है पबजी और BGMI की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, खबर ये निकल के आती है कि BGMI और पबजी जो गेम है, इसके अंदर आजकल जो है ऑटो बैन का जो ऑप्शन है क्राफ्टन ने, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो भी बंदे लोग आजकल चीट कर रहे हैं या फिर चीट कोड डाल रहे हैं, तो उन लोग के लिए जो है ऑटोमेटिक उनका जो अकाउंट है सस्पेंड हो रहा है। तो अगर आप लोग भी पबजी या BGMI खेलते हैं तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो चीट कोड और जो एडिशनल मटेरियल के लिए जो चीट डालते हैं या फिर जो हैकिंग डिवाइस के अंदर BGMI इंस्टॉल करते हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज उसके वजह से क्या आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा और जो आपको इतनी सीनियोरिटी मिली है वो सब गायब हो जाएंगे। सो दिस इज़ द 24-आवर सिक्योरिटी सिस्टम जो कि क्राफ्टन की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, वो अभी 24-आवर काम कर रहा है और इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो भी हो रहे हैं पबजी में उन सब अकाउंट्स को बैन कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था। अगर आप लोग पबजी या BGMI बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है एक Realme पैड लॉन्च की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं अपनी, अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी एडवांस फ़ोन्स को लॉन्च कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं Realme। सो आई एम इम्प्रेस विद Realme's परफॉर्मेंस, बट इस बार जो है उन लोगों ने Realme पैड लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, 10.4 इंच की बड़ी 60Hz की OLED डिस्प्ले के साथ ये टैब आता है। टैब जो है यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए, तो अगर OLED डिस्प्ले होगी तो सोने पे सुहागा होगा, और Realme ने यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जो कि एक बढ़िया बात है। Helio G80 का प्रोसेसर दिया है, इसको मैं काफ़ी अच्छा नहीं कहूँगा बट मिड रेंज का कहूँगा, क्योंकि ये 10,000 तक के इसमें आता है, प्राइस रेंज में आता है अगर प्रोसेसर की बात करें तो। काफ़ी फोन्स में भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। हार्डली टैब में हम लोग उतना जो है कैमरा यूज़ नहीं करते, फिर स्टिल अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई वीडियो कॉल करना चाहे तो उसके लिए ये प्रोवाइड कर दिया है। 7100mAh की बड़ी बैटरी इसके अंदर देखने को मिलता है। 4 स्पीकर्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 6.8mm की थिकनेस है, जो कि काफ़ी इसको स्लिम और रफ एंड टफ बनाता है इधर उधर यूज़ के लिए। वाईफाई 4G LTE भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, Realme UI के साथ आता है। अगर इसकी वेरिएंट की बात करें, जो इसका बेस वेरिएंट है वो अभी तक इन लोगों ने लॉन्च नहीं किया है, 3GB 32GB जो इन लोग का बेस वेरिएंट का प्राइस निकल के आता है वो है 13,999, जो कि इन लोग को लॉन्च करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ वाईफाई वर्जन है और ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। दूसरी वेरिएंट की बात करें, 3GB 32GB 15999 में आपको देखने को मिल जाता है, जो अभी अवेलेबल है। इसमें आपको 4G सिम फैसिलिटी और वाईफाई दोनों देखने को मिल जाता है, और इसका जो एक हायर एंड वेरिएंट है वो आपको 464GB के साथ 17999 में मिल जाएगा, जो कि अगेन LTE प्लस वाईफाई वर्जन है। तो प्राइसिंग की बात करें तो ठीक ठाक प्राइस इन लोग ने रखा है Realme ने, और मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन को देख के उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट उतना कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है, बिकॉज OLED डिस्प्ले MediaTek G80 के साथ अगर आता है तो जो बेसिक नीड्स है वो एक बंदे का फुलफिल हो जाएगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो उन लोग के लिए ये काफ़ी अच्छा टैब साबित हो सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है Amazon के ग्रेट इंडियन सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Amazon हर साल दिवाली के पहले एक बड़ा बोनांजा या धमाका करता है, और इसी साल कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस साल भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगा।
और ये जो सेल है ये शुरू होने वाला है 24 सितंबर से, तो आज से कुछ ही दिन में, 2-3 वीक्स के अंदर जो है ये सेल चालू हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, कोई मोबाइल या कुछ भी, तो डेफिनेटली विश लिस्ट या कार्ट में रख दीजिए, जिससे कि आप लोग को डिस्काउंट्स का पता चल जाएगा इसी ग्रेट इंडियन सेल के दौरान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है Realme 8i के लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीक मैंने जो है कवर किया था Realme 8s के बारे में, जो कि Realme का नया फ़ोन था, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले के साथ आता था। लेकिन अभी जो है Realme ने 8i उसके साथ ही लॉन्च किया था। इसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.6 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की पैनल, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया है। हाँ, लेकिन ये आपका जो है IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। MediaTek का Helio G96 जो कि थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अपग्रेड कह सकते हैं G95 के ऊपर, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको माइक्रो HD कार्ड जो है डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। ब्लूटूथ 5.1 UFS 2.1 का जो है सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, जो कि स्टोरेज टाइप है। कैमरा की बात करें, 50+2+2 का ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है 18W के फास्ट चार्जर के साथ। 18W को मैं जो है साइंटिफिकली एक फास्ट चार्जर नहीं कहूँगा, वो काफ़ी टाइम लगाता है। अगर 5000 mAh की बैटरी को भी देखेंगे तो 2 घंटा आराम से ले लेगा चार्ज करने में। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा Realme ने कट डाउन किया है, क्योंकि Realme 8s में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 18W की स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा कट है कॉर्नर। और प्राइसिंग की बात करें, 464GB आप भी अगर आप अभी लेते हैं तो 13999 में अवेलेबल है, और 6GB 128GB जो वेरिएंट है वो आपका 15999 में अवेलेबल है। 14000 के अंदर Realme 8i मुझे क्या लगता है इस मोबाइल के बारे में, डेफिनेटली दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है। अगर आप लोग एक बजट सीरीज़ में एक फ़ोन देख रहे हैं तो G96 अच्छा फ़ोन है, गेमिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। मगर इसका जो है हीटिंग का इशू है या नहीं उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये नया प्रोसेसर है और इसको अभी तक किसी ज़्यादा लोगों ने टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं अभी तक मेरे जो ओपिनियंस है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बिकॉज G96 मैंने बताया जैसे कि नया प्रोसेसर है, और जैसे ही टेस्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में इसमें ही बता दूंगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है iPhone 13 के लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे iPhone के लॉन्च इवेंट का, और वो इस हफ्ते हो चुका है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जो उन लोग ने प्रेजेंटेशन किया काफ़ी बढ़िया था, ड्रोन शॉट्स और काफ़ी अच्छी तरीके से जो डिस्प्ले है उसको प्रेजेंट किया है आईफोन के इस इवेंट में। टोटली वर्चुअल इवेंट था बट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, एज यू नो कि आईफोन वाले मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वैसे क्या लॉन्च हुआ इस इवेंट में मैं डेफिनेटली बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा इस साल के आईफोन के बारे में, वो है कि इन सब में अभी आईफोन में आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यह दोस्तों काफ़ी बढ़िया सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले इस साल के सभी आईफोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। और पहले बात करते हैं आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी के बारे में। आईफोन मिनी की बात करूँ, 5.4 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है। कैमरा की बात करें, इसमें भी 12+12 का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। सभी आईफोन्स में अभी जो है एप्पल के A15 बायोनिक चिप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देता है। लुक वाइज भी इन लोग को ज़्यादा कुछ डिफर नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो आईफोन 11 का जो पीछे का जो कैमरा सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी सिमिलर ही लगता है ऑलमोस्ट। इसके अलावा स्टोरेज टाइप को जो है अपग्रेड कर दिया है, पहले 64GB बेस वेरिएंट हुआ करता था, अभी वही 128GB से शुरू होता है, जो कि जाता है 512GB तक 13 और 13 प्रो में। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको नए आईफोन 13 में देखने को मिल जाएगा, इवन 13 मिनी में भी आपको मिल जाएगा। 20W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो उसको भी थोड़ा बम्प अप किया गया है, 15W तक मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है। इवन क्यू वायरलेस चार्जिंग को भी बढ़ाया गया है, मैग्नेटिक फास्ट चार्जिंग, जो कि 7.5W की है। तो मुझे क्या लगता है इन दोनों फ़ोन के बारे में, काफ़ी बढ़िया लुक्स है
आईफोन ऑब्वियसली A15 के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और अभी तो कहा जा रहा है कि इसका एंटूतु स्कोर आ चुका है जो कि अराउंड 8 लाख के अबव जाता है एंटूतु स्कोर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल होने वाला है ये आईफोन 13 और 13 मिनी। इवन मिनी में भी इन लोग ने काफ़ी अच्छा जो है पुराना जो आईफोन 12 जो प्रो मैक्स मेन कैमरा है वो इसमें दे दिया गया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल बना देता है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया जो है प्रोडक्ट है। और अगर आईफोन 13 और 13 मिनी की प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 13 मिनी जो है शुरू होता है 69,900 में, बढ़ के अगर आप 512 GB वाला स्टोरेज लेते हैं मिनी का वो चला जाएगा ऑलमोस्ट 99,900 यानी कि 1 लाख तक। और वही आईफोन 13 की बात करें तो 4 GB रैम सब में ही मिलता है, तो 79,900 से शुरू होता है इसका इंडियन प्राइस, जो कि अगर आप हायर एंड वेरिएंट लेते हैं 512 GB का तो वो निकल के आता है 109,900 रुपीज़। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया फ़ोन्स है आईफोन की तरफ से, अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली एप्पल के स्टोर से ले सकते हैं। आई थिंक सेल स्टार्ट होगा 24 सितंबर से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी निकल के आती है आईफोन के 13 प्रो और 13 मैक्स के बारे में। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ इसमें रैम इंक्रीमेंट किया है। 6 GB का जो है रैम आपको प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रो और प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, जो अगर आप वीडियो कोई लेते हैं इस फ़ोन से तो आपको थोड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर 6.1 इंच की जो है सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले आईफोन 13 प्रो में देखने को मिलता है, जबकि 6.7 इंच की सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में देखने को मिल जाएगी। दोनों ही आपको लेटेस्ट A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो स्टोरेज टाइप है 13 और 13 प्रो मैक्स में दोनों में आपको 1 TB तक का मैक्स स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि जो सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन दिया है आई गेस उसके लिए ही दिया है, क्योंकि वीडियोज़ अगर आप 4K में शूट करते हैं 120 FPS पे तो आई थिंक स्टोरेज तो आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और इस तरह का टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुआ है कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंटल अपग्रेड इन लोग ने किया है, छोटा मोटा अपग्रेड है बट एप्पल कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है। मुझे तो उतना नहीं लग रहा है, बट जिन लोग एप्पल के फैन बॉय है उन लोग डिनाई नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक सोने पे सुहागा है जिन लोग आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स का वेट कर रहे थे। इसके अलावा जो रेगुलर फास्ट चार्जिंग 20 वॉट की USB डिलीवरी चार्जिंग, मैक्सेफ का 15 वॉट चार्जिंग सभी इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगा, जो 13 मिनी और 13 में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट जो 128 GB का आईफोन 13 प्रो है वो आपको 1,19,000 तक मिल जाएगा, और अगर 13 प्रो मैक्स की बात करें तो इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो 1,29,900 से शुरू होता है, जो कि 128 GB का वेरिएंट है। अगर आप हायर एंड वेरिएंट जो कि 1 TB का स्टोरेज वेरिएंट है अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको चुकाने पड़ेंगे 1,80,000 तक प्राइस, और वही 13 प्रो का अगर आप 1 TB स्टोरेज वर्जन लेते हैं तो 1,69,900 तक आपको पड़ जाएगा। 1,70,000-1,80,000 तक का फ़ोन जो है एप्पल ने लॉन्च किया है, और क्या दिया है, थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अपग्रेड, थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग बढ़ाया है, बैटरी को इन लोग कहते हैं कि 1.5 घंटा बढ़ा दिया है जो 12 प्रो से इंस्पायर्ड है। तो मुझे क्या लगता है इसके बारे में, मुझे लगता है कि फास्ट चार्जिंग मुझे अभी तक इन लोग का 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग नहीं लगता है, जैसे मैंने बताया 18 वॉट का भी मुझे फास्ट चार्जिंग नहीं लगा और ये 20 वॉट भी मुझे फास्ट चार्जिंग नहीं लगता है। दूसरी बात जो है टाइप सी तक अभी तक इन लोग ने लेके नहीं आए, अभी तक इन लोग यूज़ कर रहे हैं जो एप्पल का जो लाइटनिंग पोर्ट जो इन लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं वो ही यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको भी चेंज करके USB टाइप सी कर देना चाहिए, जिससे कि सभी कंपोनेंट में हम लोग को ईजी पड़ेगा। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस करके ही इन लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये सब मैंने जो बताया वो चेंजेस तो किया ही नहीं, उसके अलावा ये सब डाल दिया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एप्पल कंज्यूमर्स को छोटे से अपग्रेड के साथ सेम चार्ज कर रहा है। पहले भी जो अगर आईफोन 12 की सीरीज़ देखेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेट था, और अभी 13 को भी इन लोग को पता है कि कस्टमर्स उतना ज़्यादा प्राइस नहीं देने वाले, क्योंकि रूमर्स ये थे कि अभी जो आईफोन है वो 2,00,000 या 2,50,000 तक जाने वाले हैं, तो वो टोटली रॉन्ग है दोस्तों, आईफोन के प्राइसेस मैंने रिवील कर दिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है सैमसंग के एक नए फ़ोन लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग जो है जल्द ही M52 5G नाम का एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है।
कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की एस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन का 778G इसके अंदर भी मिल जाएगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। 11 5G बैंड्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि 5G कैपेबिलिटीज को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा। One UI 3.1 का है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और कहा यह जा रहा है कि सैमसंग ने इसको ऑलरेडी अमेजोन के साइट में टीज कर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक सैमसंग का एक अच्छा फ़ोन लेना है, डेफिनेटली वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तक आपको ये जो है फ़ोन लॉन्च होते हुए दिख जाएगा सैमसंग की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है एक नए फ़ोन लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्च इन्फिनिक्स की तरफ से है। इनका नया सीरीज जो है हॉट 11S नाम का एक फ़ोन लॉन्च किया है, जो कि मिड रेंज में आपको मिल जाएगा। इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 6.7 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले। मीडियाटेक हीलियो G88 का जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप यहाँ पे थोड़ा कंजूसी किया है इन्फिनिक्स ने। EMMC 5.1, जो कि काफ़ी पुराना जो है टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ किया है। अभी कॉम्पिटिटर्स जो है UFS 2.1 या 2.2 प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे अच्छे मिड रेंज में। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। डुअल स्पीकर DTS साउंड का इसके अंदर एडवांस ऑप्शन मिल जाता है। 50+2+2 का ट्रिपल कैमरा आपको पीछे के साइड में देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बड़ी बैटरी 18 वॉट के चार्जर के साथ देखने को मिलता है। और इसका एक वेरिएंट ही अभी लॉन्च होने वाला है, जो कि 4GB रैम 64GB रोम के साथ आएगा, जिसकी प्राइस जो है निकल के आती है 10,999 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 11,000 के अंदर हीलियो G88 मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डील है। बस LCD डिस्प्ले जो है वो मुझे एक थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा, और EMMC स्टोरेज कि इस फ़ोन को थोड़ा स्लो बना सकता है इन आफ्टर 6 मंथ्स। तो अगर आपको लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है IQ Z5 5G के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ़ोन है जल्द ही लॉन्च हो सकता है इंडिया में। कहा यह जा रहा है कि चाइना में ये जो फ़ोन है September 23rd को लॉन्च होने वाला है। 5000mAh बड़ी बैटरी के साथ, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, इवन HDR10+ इसके अंदर होने वाला है। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और DCI-P3 कलर गैमेट के साथ ये आएगा। तो सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फोन स्पेक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है IQ Z5 5G के बारे में, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मुझे तो काफी अच्छा डील लग रहा है। चलिए बढ़ते आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर निकल के आती है जियोफोन नेक्स्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जियोफोन नेक्स्ट का रूमर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोज किया था मेरे टेक न्यूज़ में, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ड्यू टू चिप शॉर्टेज जियोफोन नेक्स्ट जो है डिले हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा डिले होने की संभावना है, और अभी तक नेक्स्ट जो डेट लॉन्च का है वो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है। तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे जियोफोन नेक्स्ट का, तो आपको और थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कि कभी आता है, जैसे ही आ जाएगा वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस इस हफ्ते के वीकली गैजेट न्यूज़ में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा इस हफ्ते का वीकली गैजेट न्यूज़, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आईफोन के जो भी थॉट्स है वो भी आप कमेंट्स में बरसा दीजिएगा। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैंने आने वाले वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलती रहेगी। तो बस दोस्तों, मैं अगले हफ्ते मिलूंगा आप लोगों से। तब तक दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त स्वरूप सेइंग गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग गैजेट बफ।